हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाँ, आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक लर्न वेल का इंग्लिश का लेसन 3, जिसका नाम है प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं? पेड़ पौधे। इसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी को हम पढ़ेंगे। Mrs. Juhi has a lovely garden. It is at the back of her house. Mrs. Juhi के घर में उनके पास एक बहुत सुंदर गार्डन यानी बगीचा है जो कि उनके घर के पीछे है। There are many plants and flowers in it. वहाँ पर बहुत सारे पेड़ और फूल लगे हैं। Mrs. Juhi finish her work in the evening, then she loved to sit in the garden. Mrs. Juhi जब अपना शाम का सारा काम ख़त्म कर लेती हैं तो उनको गार्डन में बैठना बहुत अच्छा लगता है। One evening, Mrs. Juhi was sitting in her garden. Her little daughter Rosie was also with her. Rosie wanted to pluck one big flower. एक दिन मिसेस जूही जो थी वो अपने गार्डन में बैठी थी, उनके साथ उनकी बेटी भी गार्डन में थी और वो एक फूल तोड़ना चाहती थी। तब उसने क्या कहा? मॉम, शी सेड, मे आई प्लक दिस फ्लावर। प्लग यानी तोड़ना, क्या मैं ये फूल तोड़ लूँ? हाउ ब्यूटीफुल इट इज, यह कितना सुंदर है। तब उसकी मम्मी ने क्या कहा? नो डियर, डोंट प्लग एनी फ्लावर एट दिस टाइम। डोंट यू नो प्लांट्स गो टू स्लीप एट नाइट। उनने बताया कि अभी इस टाइम पे कोई भी फ्लावर को नहीं तोड़ना है क्योंकि इस टाइम पे पेड़ पौधे सोने के लिए जाते हैं। रोजी, मॉम, डू प्लांट्स ऑल्सो स्लीप, क्या प्लांट्स यानी पेड़ पौधे भी सोते हैं? मदर, यस, ऑल प्लांट्स स्लीप लाइक अस, सभी पेड़ पौधे हमारे जैसे सोते हैं। एंड दे फील पेन एंड प्लेजर लाइक अस, और उनको हमारे जैसे पेन भी होता है और खुशी भी मिलती है। रोजी, मॉम, हाउ कैन यू से दैट, मम्मी आप ये कैसे कह सकते हो? मदर, जेसी बोस प्रूव्ड ऑल दिस, ही प्रूव्ड इट बाय हिज एक्सपेरिमेंट। उन्हें बताती हैं कि जो जेसी बोस जो थे उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रूफ की हैं अपने एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग में। रोजी, मॉम, हु वॉज जो जेसी बोस, तो वो पूछती है कि मम्मी जेसी बोस कौन थे? मदर, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। रोजी, वॉट डिड ही प्रूफ, उन्होंने क्या प्रूफ किया? मदर, ही प्रूव्ड मैनी थिंग्स अबाउट प्लांट्स, ही प्रूव्ड दैट प्लांट्स स्लीप लाइक अस, ही दे ऑल्सो फील सैड एंड हैप्पी लाइक अस। हाउ इंटरेस्टिंग, वॉट एल्स डिड ही प्रूव, और उन्होंने क्या क्या प्रूफ किया? रोजी ने ऐसा पूछा तो मम्मी ने उसकी क्या बताया? मदर, ही प्रूव्ड दैट प्लांट्स ईट एंड ड्रिंक लाइक अस, दे ड्रिंक वाटर बाई देयर रूट्स, दे ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द सॉयल, दे ईट ड्रिंक एंड फील लाइक अस, ओनली दे डोंट मूव लाइक अस। उनने बताया कि प्लांट्स अपनी जड़ों से पानी पीते हैं, पत्तियों से सांस लेते हैं और मिट्टी से खाना लेते हैं और बस वो हमारे जैसे एक जगह से दूसरी जगह आना जाना नहीं कर सकते हैं। रोजी, थैंक यू मॉम, यू हैव टोल्ड मी सो मच अबाउट प्लांट्स, आई शैल नेवर गिव देम पेन, आई शैल ऑलवेज लव देम एंड टेक केयर ऑफ देम। तो जूही ने बताया, रोजी ने क्या बताया कि ठीक है मम्मी, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी, अब मैं कभी भी उन्हें कष्ट नहीं दूंगी और उनके साथ
प्यार करूंगी और उनका ध्यान रखूंगी। मदर, यस, दैट्स लाइक ए गुड चाइल्ड। नाउ आई शैल टेल यू अ वेरी स्ट्रेंज थिंग अबाउट प्लांट्स। उन्होंने बताया कि ये तुमने बहुत अच्छी बात कही, अब मैं तुम्हें एक और अच्छी चीज़ बताती हूँ। टेल मी मॉम। मदर, सम प्लांट्स ईट फ्लैश, दे हंट फॉर देयर फूड, दे कैच इंसेक्ट एंड ईट देम। उसने बताया कि बहुत सारे जो पेड़ हैं वो मांस खाते हैं, वो शिकार करते हैं और छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं। यस, इट इज ट्रू। अच्छा, ये सही है। दीज प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट एंड अनदर टिनी एनिमल्स। वो बताते हैं कि ये जो पेड़ है वो छोटे जानवरों को पकड़ लेते हैं और फिर खाते हैं। आप देख रहे हो, इसमें तीन प्लांट्स दिखाए गए हैं। पहला प्लांट्स है वेनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या करता है, जैसे ही इसमें कोई भी मक्खी या कोई छोटा जीव जंतु आके बैठता है, वो अपना मुंह बंद कर लेता है और उसको पकड़ लेता है। दूसरा है पिचर प्लांट और तीसरा है सन ड्यू। द पिचर प्लांट, द सन ड्यू एंड द वेनस फ्लाई ट्रैप आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स प्लांट्स। मॉम, आई नेवर न्यू सो मच अबाउट प्लांट्स, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दीज इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो रोजी ने कहा कि मम्मी, मैं बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स के बारे में नहीं जानती थी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये सब बताया। मदर, रोजी, लेट्स गो इन नाउ, योर पापा इज कॉलिंग, ही नोज अ लॉट अबाउट प्लांट, ही विल टेल यू हाउ दीज प्लांट्स कैचेज इंसेक्ट। यस मॉम, आई विल आस्क हिम ऑल अबाउट इट। तो वो कहती है कि अब हमें घर चल के अंदर और पापा से पूछूंगी कि ये सब कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को स्ट्रेंज हो रहा होगा कि ये प्लांट्स कैसे काम करते हैं। तो मैंने अभी आपको वेनस फ्लाई ट्रैप के बारे में बताया। इसके बाद में जो ये पिचर प्लांट है, इस प्लांट के एक ढक्कन होता है और उस ढक्कन को खोल के वो प्लांट रखता है और जैसे ही उस पर कोई इंसेक्ट बैठता है और झांक के अंदर की तरफ देखता है, वो उसमें गिर जाता है और उसका ढक्कन बंद हो जाता है। इसी प्रकार से जब सन ड्यू प्लांट है, उसके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठता है तो वो अपने जो उसके बाल दिख रहे हैं ना, उनको बंद कर लेता है और इंसेक्ट को मार के